सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जेजे क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हल कर रहे हैं गणित कार्य पुस्तिका, गणित प्रयास कार्य पुस्तिका, गणित कक्षा 4-5। इसके अंतर्गत कार्यपत्रक 10-11-12 जो पेज नंबर 101, 102 और 103 पर है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। आइए हम शुरू करते हैं कार्यपत्रक 10। दक्षता समूह में गिनती कर सकें। पहला, दी गई वस्तुओं में दो दो के कितने समूह लिखें? के दो दो के जोड़े बनाने हैं, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, तीन समूह। इसमें दो दो के दो जोड़े होंगे, एक और दो। इसमें दो दो के चार जोड़े, एक दो तीन चार। इसमें दो दो के छः जोड़े, अने दो दो के सात जोड़े। प्रश्न नंबर 2, दिए गए बॉल को 5-5 के समूह में बांटें। तो 5-5 का समूह बनाना है, एक दो तीन चार पाँच और छः समूह। खै, दी गई वस्तुओं को 4-4 के समूह में बांटें। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल समूह बनेंगे 6। दी गई वस्तुओं को 8-8 के समूह में बांटें, 8-8 के समूह बनेंगे, 8-8 के दो समूह बन जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, त्रिभुज कुल कितने हैं? 4। बॉक्स है 3, गोले हैं 2, स्टार है 3, तीर है 6, क्रॉस है 2, राइट है 6, प्लस है 6। दो वस्तुओं वाले कितने समूह हैं? दो वस्तुओं वाले समूह हैं 1 और 2, दो समूह। तीन वस्तुओं वाले कितने समूह हैं? तीन वस्तुओं वाले देखिए 1 और 2, दो समूह। छह वस्तुओं वाले कितने समूह हैं? तीन समूह। चौथा, दिए गए प्रश्नों को हल करें। ए, 1, 2, 3, 4 समूह हैं। कितने समूह हैं कुल? 4। प्रत्येक समूह में कितने त्रिभुज हैं? 1, 2, 3 सभी में 3-3 त्रिभुज हैं। कुल कितने त्रिभुज हैं? तो कुल 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 त्रिभुज है। बी, समूह गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने समूह हैं? 8। प्रत्येक समूह में कितने गोले हैं? प्रत्येक समूह में हैं 3 गोले। कुल कितने गोले हैं? कुल गोले हैं सभी को गिनेंगे 24। कार्यपत्रक 10 पेज नंबर 101। अब आ जाइए कार्यपत्रक 11 पर, जो कि पेज नंबर 102 पर है। शुरू करते हैं कार्यपत्रक 11। दक्षता, एक अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय संख्या से गुणा कर सकें। दी गई संख्याओं को बार बार जोड़कर लिखिए। के, दो पत्तियां, 2 + 2 + 2 + 2 कुल हो गई 8। खे, बोल गिनने, 1, 2, 3, 4, 4 जोड़ 4 कुल हुए 8 और 8 चित्र बना देने। गे, पतंग गिनने हैं, 2 + 2 + 2 कुल हुए 6 और 6 चित्र पतंग के बना देने। प्रश्न नंबर 2, उदाहरण देखकर खाली डिब्बों में उचित संख्या लिखें। के, 12 कैसे आएंगे? देखो, 3 को पावड़ा 4 बार, 3 को 4 से गुणा किया 12, 4 को 3 से गुणा किया 12, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 को 1 से गुणा किया 12। इसी प्रकार 20 में 5 को 4 से गुणा किया 20, 10 को 2 से गुणा किया 20, 20 को 1 से गुणा किया 20, 4 को 5 से गुणा किया 20। इधर 56 आ रहा है। गए, 56, 7 को 8 से गुणा किया 56,
आठ को सात से गुणा किया 56, 14 को चार से गुणा किया 56, 28 को दो से गुणा किया 56, गए 15, पाँच को तीन से गुणा किया 15, तीन को पाँच से गुणा किया 15, 15 को एक से गुणा किया 15 और एक को 15 से गुणा किया 15। प्रश्न नंबर तीन, गुणा करें। पाँच को तीन से गुणा किया, पाँच तरी 15, चार को सात से, सात चौक 28, पाँच को चार से, पाँच चौक 20, आठ को सात से, सात आठ 56, आठ को तीन से, आठ तरी 24, नौ को चार से, नौ चौका 36, छः को छः से, छतड़ंग 36। प्रश्न नंबर चार, हल करें। के 6 × 10, 6 × 10 = 60, 2 × 100, 100 × 200, 5 × 10, 5 × 10 = 50, 6 × 100, 600। मिलान कीजिए, 5 × 4 यानी 20, 5 × 20, इसको मिलान करना है 10 × 20 से, 5 × 6, 5 × 30, तो इसको मिलान करना है 3 × 30, इससे 6 × 3 = 18, 18 को मिलान करना है 9 × 2 = 18 से, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21 को मिलान करना है 21 × 1 से, 21 × 1 = 21, ये था कार्यपत्रक 11 जो कि पेज नंबर 102 पर है। आइए हम शुरू करते हैं कार्यपत्रक 12। दक्षता, विभिन्न दैनिक परिस्थितियों का आकलन कर उचित संक्रियाओं का उपयोग कर सकें। पहला प्रश्न है, मोहित के पास 85 कंचे हैं और सुधा ने उसमें 27 कंचे और मिला दिए, तो बताएं मोहित के पास कुल कितने कंचे हो गए। 85 कंचे थे, इसमें 27 मिला दिए, तो 85 में 27 जोड़ना है, 112 आएगा, कुल हुए 112 कंचे। प्रश्न नंबर दो, अंडे की एक ट्रे में 100 अंडे थे, दुकानदार ने 36 अंडे बेच दिए, बताइए ट्रे में अब कितने अंडे बचे। 100 में से 36 बाकी निकाल लेने हैं, 64 आ जाएगा, उत्तर होगा 64 अंडे। प्रश्न नंबर तीन, यदि एक बस एक घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती हो तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 40 को 4 से गुणा कर लेना है, ये आ जाएगा 160, उत्तर होगा 160 किलोमीटर। चौथा है, मिठाई के एक डिब्बे में 50 लड्डू रखे जा सकते हैं, तो बताइए ऐसे 10 डिब्बों में कितने लड्डू रख सकते हैं। 50 × 10 = 500 लड्डू। प्रश्न नंबर पाँच, 40 फूलों से कितने गुलदस्ते बनाए जा सकते हैं। यदि एक गुलदस्ते में 8 फूल हो तो 40 में 8 का भाग लगा देना है, 8 × 1 = 8 और 8 × 5 = 40, उत्तर होगा 5 गुलदस्ते। छठा प्रश्न, 64 गिलासों को कितनी ट्रे में रख सकते हैं। यदि एक ट्रे में 9 गिलास रखी जा सकते हैं, 9 गिलास रखे जा सकते हैं, तो 54 में 9 का भाग लगा देंगे, 9 × 9 = 9, 9 × 6 = 54, उत्तर आएगा 6 ट्रे। प्रश्न नंबर सात, यदि चीनी की एक बोरी का भार 20 किलोग्राम है तो ऐसी 13 बोरियों का भार कितना होगा। तो 20 को 13 से गुणा कर लेना है, उत्तर आ जाएगा 260 किलोग्राम। ये था कार्यपत्रक 10, 11, 12 जो कि पेज नंबर 101, 102, 103 पर है। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।